दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि साल 2023 में वो ऐसा कौन सा बेस्ट बैंक है जिसमें आपको अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब इस वीडियो में हम टोटल 5 बैंक्स को डिस्कस करेंगे। अब ये पांचों बैंक अपने आप में ही आज की डेट में बेस्ट बैंक है एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन अब इन 5 बैंकों को भी हम अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे और आपको अपनी नीड के हिसाब से ये जज करना है कि आपके लिए कौन सा ऐसा बैंक है जो आपके लिए बेस्ट है एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए। आज की डेट में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हर किसी को ओपन करना है, क्योंकि ऐसा कोई कस्टमर ही नहीं है जो ये चाहता है कि मेरे को मिनिमम एवरेज बैलेंस बैंक में मेंटेन करना है। हर किसी को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको खुद ये जज करना है कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है। हम इस पांचों के पांचों बैंक्स को कंपेयर करेंगे। वैसे अपने आप में ही ये पांचों बैंक्स बेस्ट हैं जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए, लेकिन अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि ये पांचों बैंक के हम कंपेयर करेंगे कि ठीक है, जब हम सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हमें बेसिकली किस चीज को क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसे हमें जज करना पड़ता है। पहला तो हम यही देखेंगे कि पांचों बैंक्स में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट के कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंक ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद हम ये अलग अलग पैरामीटर्स जो हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे, एक बार मैं वो आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ठीक है, चलो अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन डेबिट कार्ड की कितनी फीस लगेगी। उसके अलावा डेबिट कार्ड भी आ जाएगा, लेकिन जब उस डेबिट कार्ड को हम कभी भी एटीएम में जाके कैश विड्रॉल करेंगे तो कितनी जो नंबर ऑफ विड्रॉल है कितनी लिमिट मिलेगी हमें, यानी कितनी ट्रांजेक्शन फ्री होंगी एटीएम से कैश निकालने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बैंक बोलता है कि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन फ्री है, जितनी बार मर्जी एटीएम से कैश निकालो। कोई बैंक बोलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 ट्रांजेक्शन ही फ्री दूंगा। तो ऐसे करके अलग अलग पैरामीटर्स पर हम कंपेयर करेंगे, तो जितने भी छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं सभी पैरामीटर्स पर इन पांचों बैंकों को हम कंपेयर करेंगे। इवन ये जो पांचों बैंक्स के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक है, ये सारे के सारे लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपनी मर्जी से पूरी वीडियो को आप देखो, एनालाइज करो कि कौन सा बैंक क्या चीज ऑफर कर रहा है। उसके बाद जब आप ये जज कर लो कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, तो आप अपनी मर्जी से उसका इजीली अकाउंट ओपनिंग के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, वो लिंक से आप सीधा सीधा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और इजीली अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। इवन ये जो पांचों बैंक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इन सभी के इंडिविजुअली भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। तो वो वीडियो भी आप चैनल पे विजिट करके, यानी इजीली उस बैंक का नाम डालोगे, ब्रैकेट में आप डाल देना XYX एजुकेशन चैनल का नाम, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। यानी सभी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके हम कंपेयर करते चलेंगे। अब इसको मैंने रैंक वाइज भी लगाया हुआ है, यानी जैसे 5 बैंक है तो रैंक 5th पे जो बैंक है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। और एक चीज और, यहां पर ये जो पांचों बैंक है, ये पांचों के पांचों बैंक DICGC से इंश्योर्ड है। अब DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये RBI की एक सब्सिडियरी बॉडी है जो हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने इन 5 में से किसी भी एक बैंक में अकाउंट ओपन किया, लेकिन आपको ये डर था कि यार कल कहीं को आज नहीं तो एक साल बाद कभी ये कहीं बैंक डूब ना जाए, मेरा पैसा ना डूब जाए, तो ऐसे केस में ये पांचों के पांचों जो बैंक है ये DICGC से इंश्योर्ड है। और DICGC ये बोलता है कि अगर कल को कोई बैंक डूब जाता है तो उस केस में आपका जो पैसा है, मान लो आपकी 3 लाख रुपए की एक FD पड़ी थी इस बैंक में, ठीक है, तो DICGC ये बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उस कस्टमर को 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो अगर आपको कभी डर भी है ना कि ये बैंक कल को कहीं डूब तो नहीं जाएगा, तो आप 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा उस बैंक में डिपॉजिट ही ना करो, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की गारंटी तो DICGC लेता है। कल को अगर बैंक डूब भी गया तो भी DICGC 5 लाख रुपए तक तो आपको पे करेगा। यही एक रीजन है कि आज की डेट में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो काफी लोग पूछते हैं कि हम मैक्सिमम कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि एक बैंक में 5 लाख से ऊपर जमा ही नहीं कर रहे। तो अगर मान लो किसी के पास 20 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, 4 अकाउंट खोल रहे हैं, तो 4 बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, हर एक में 5-5 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो उसमें उनको एक सेफ्टी मिल जा रही है DICGC की। तो वीडियो के एंड में ये एक बहुत कॉमन कमेंट है जो मेरी हर वीडियो में आता है कि सर हम मैक्सिमम कितने बैंक अकाउंट खोल सकते हैं कि ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस क्वेश्चन को भी हम सारा पहले वीडियो को एनालाइज करेंगे, वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम कितने हम बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके बैंक अकाउंट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पांचों बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। रैंक 5th पर हमने रखा है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रैंक 5th पर हमने रखा है FI Money को। अब ये FI Money क्या है, FI Money एक नियो बैंक है। अब ये नियो बैंक क्या होते हैं,
नियो बैंक होते हैं जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती। जैसे जैसे SBI है, SBI की फिजिकल ब्रांच है तो वो नियो बैंक नहीं कहलाएगा। नियो बैंक होते हैं जैसे, इसको हम ना मॉडर्न बैंक्स भी बोलते हैं, इनकी कोई फिजिकल ब्रांच तो होती नहीं। तो फिर ये काम कैसे करते हैं, ये एक किसी बड़े बैंक के साथ टाई अप कर लेते हैं। जैसे FI मनी ने टाई अप किया हुआ है फेडरल बैंक के साथ, तो होगा क्या, जो भी पैसा FI मनी के पास आएगा ये सारा पैसा FI मनी फेडरल बैंक के पास एक तरह से जमा करता जाएगा। तो यानी इनकी आपसी साठ गांठ हो गई। तो होता क्या है कि FI मनी में फायदा क्या है अकाउंट ओपन करने का, तो FI मनी आपको आज की डेट में एक तरह से पूरी मॉडर्न बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक एक करके FI मनी के हम फीचर्स देख लेते हैं कि ये बैंक कितने डेबिट कार्ड के चार्जेस लेता है और कैसे इसका अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस है। अब सबसे पहले तो FI मनी खुद भी अपने आप में DICGC से इंश्योर्ड है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये इसमें रखो तो आपका 5 लाख रुपये तो 101% सेफ है। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट की एक बार हम बात कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट ये 3% का ऑफर करता है अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ना सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के, ये वीडियो के एंड में ना हम एक टेबल से भी कंपेयर करेंगे कि पांचों बैंक में कौन सा बैंक टॉप रैंक पर है सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट के मामले में और कौन सा बैंक टॉप रैंक पर है फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में, ठीक है। तो वीडियो के एंड में एक टेबल से भी हम समझेंगे ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए कि आपको जो लगे कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है। अब इंटरेस्ट रेट हो गया 3%, FI मनी जो ऑफर कर रहा है। अब यहां पर जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा उसका नाम है वीजा प्लेटिनियम डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड की अच्छी बात यह है कि कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती, ना तो आपको इनिशियली कोई फीस ली जाती है ना ही डेबिट कार्ड की एनुअल फीस ली जाती है, वेरेज जितने भी दूसरे बैंक हैं वो डेबिट कार्ड के ऊपर फीस चार्ज करते हैं। इसके बाद अगर मैं FD की बात करूं कि FD अगर आपने FI मनी के साथ ओपन करी, पहली बात तो ये जो FD है ये FI मनी के साथ ओपन होती है लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको फेडरल बैंक के ही मिलते हैं। तो यहां पर अगर आप एक साल की यानी 365 डेज की FD कराते हो तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन गलती से भी 365 डेज की FD मत ओपन कराना, आप FD ओपन कराना 366 डेज की, क्योंकि सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा कराने पे आपको 6% से इंटरेस्ट रेट बढ़ के 6.60% का मिल रहा है। और अगर आप 18 मंथ्स की करा लेते हो तो उस केस में आपको यानी ऑलमोस्ट यानी एक तरह से डेढ़ साल की कराते हो तो 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट FD के ऊपर भी अच्छे हैं, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर तो आज की डेट में लगभग सभी बैंक कोई 3% 3.5% 4% ऐसे ही दे रहे हैं। तो FD के ऊपर अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी हम आगे दूसरे बैंकों के भी कंपेयर करेंगे। अकाउंट ओपनिंग की बात करें कि अगर आपको FI मनी में अपने लिए एक अकाउंट ओपन करना है तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। नीचे जो आपको लिंक दिया उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा FI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। जैसे ही FI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचोगे वहां पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होगी, उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस होगा वो वीडियो KYC का हो जाएगा। यानी ये जो पांचों बैंक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार मैं बोलूंगा तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, ये जो पांचों बैंक हम डिस्कस करेंगे इनके लिंक पे क्लिक करके आप उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचोगे तो वहां पे बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होगी, उसके बाद लास्ट में वीडियो KYC हो जाएगी। यानी किसी भी बैंक में ब्रांच जाने का कोई झमेला ही नहीं है, घर बैठे बैठे पूरी KYC कंप्लीट हो जाएगी, सारा कुछ वेलकम किट वगैरह सब घर पे आएगा, यानी किसी भी बैंक में ब्रांच आपको जाने की जरूरत है ही नहीं। अब FI मनी के अंदर ATM ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो ये लोग बोलते हैं कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा FI मनी का, उस डेबिट कार्ड से अगर आप फेडरल बैंक के किसी भी ATM में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कैश विड्रॉ कर सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे बैंक के ATM में जाके ATM मशीन से कैश विड्रॉ करोगे तो महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी, उसके बाद अगर ज़्यादा विड्रॉ करोगे तो हर ट्रांजेक्शन के फिर 21 रुपये लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर FI मनी सिंपली ये कहता है कि वैसे तो हम खुद में एक डिजिटल बैंक है तो आपको चेकबुक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका कुछ चेकबुक से रिलेटेड काम है तो हम दे देंगे। उस चेकबुक की जो फीस है वो 100 रुपीज़ एक बार के लिए आपको पे करनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको 10 चेक लीव्स मिल जाएंगी। इसके अलावा FI मनी ये भी बोलता है कि वैसे तो हम डेबिट कार्ड की कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे, ना ही एनुअल और ना ही ज्वाइनिंग फीस कुछ भी चार्ज नहीं करते, लेकिन अगर इनके हिसाब से डेबिट कार्ड गुम हो जाता है और आप दोबारा रिक्वेस्ट देते हो तब हम आपको फ्री में नहीं देंगे, उस टाइम पे फिर हम आपसे 250 रुपये की फीस चार्ज करेंगे। इसके अलावा इस अकाउंट की सिर्फ एक ही बुरी चीज़ है कि आप अपने डेबिट कार्ड को कभी भी पेट्रोल पंप पे मतलब पोज मशीन में स्वाइप मत करवाना, क्योंकि उस केस में आपको फिर 10 रुपये का हर बार चार्ज देना पड़ेगा। भले आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवाओगे तो 10 रुपये का आपको कम से कम चार्ज पे करना ही पड़ेगा। और इवन ये लोग बोलते हैं कि हम 2.5% चार्ज लेंगे या फिर 10 रुपए लेंगे, जो भी ज्यादा होगा। तो मतलब ये एक मुझे बेकार पॉइंट लगा, सिर्फ एक बेकार पॉइंट यही है। तो अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है, सारे फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी FI के डेबिट कार्ड से पेट्रोल पंप पे जाके उसको स्वाइप मत करवाना, अदरवाइज ऐसे ही फिर यूजलेस चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। FI की एक अच्छी बात ये है कि ये एक तरह से अकाउंट एग्रीगेटर पे काम कर रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर एक RBI की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। FI
यानी कि ऐप जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो मान लो आपके दूसरे भी 4-5 बैंकों में अकाउंट है, SBI में, ICICI में, HDFC में, तो सभी बैंक अकाउंट्स को आप FI की ऐप पे ही ऑपरेट कर सकते हो। ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, सभी बैंक अडॉप्ट कर रहे हैं, FI अडॉप्ट कर चुका है। इस टेक्नोलॉजी को हम AA टेक्नोलॉजी बोलते हैं या फिर अकाउंट एग्रीगेटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब इसके बाद रैंक 4 पर जिस बैंक को हमने रखा है उसका नाम है जुपिटर अकाउंट। अब ये जो जुपिटर अकाउंट है ये भी नियो बैंक ही है, और इस नियो बैंक का भी जो टाइप है वो भी सेम फेडरल बैंक के साथ ही है, तो वही सारा प्रोसेस है। ये जो जुपिटर अकाउंट है ये भी DICGC से इंश्योर्ड है, वही सारा प्रोसेस कि कल को अगर बैंक डूबा तो 5 लाख रुपए DICGC पे करेगा, वही सारा प्रोसेस है। एक बार हम इसके इंटरेस्ट रेट्स देख लेते हैं। बाकी जो इसके FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वही सेम टू सेम वैसे ही है जो FI मनी के थे। बाकी सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो जुपिटर अकाउंट है ये आपको बस थोड़ा सा ही ज्यादा पे करता है, जहां FI मनी 3% पे कर रहा था वहीं जुपिटर अकाउंट 3.05% पे कर रहा है, तो ना के बराबर है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना इंटरेस्ट फालतू होगा, क्योंकि 0.05% एक्स्ट्रा ही दे रहा है, तो कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम ही है। और FD की बात करें तो FD पर वही सेम टू सेम इंटरेस्ट रेट्स हैं कि अगर आप 366 डेज की कराते हो तो इस केस में आपको 6.60% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। बाकी इसके थोड़े से और फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको डेबिट कार्ड की फीस पे करनी पड़ती है। जुपिटर अकाउंट सिंपली ये बोलता है कि आपको डेबिट कार्ड के लिए एक बार 299 रुपीज प्लस जो भी GST लगेगा उस पर 18%, तो ये आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये वन टाइम रहेगी डेबिट कार्ड की, बाकी दूसरे बैंकों की तरह एनुअल फीस कुछ भी चार्ज नहीं करता जुपिटर बैंक आपसे। लेकिन FI के कंपैरेटिवली जुपिटर बैंक में आपको, क्योंकि FI मनी कोई भी ज्वाइनिंग और एनुअल डेबिट कार्ड की फीस चार्ज ही नहीं कर रहा था, लेकिन जुपिटर आपसे एक बार वन टाइम फीस चार्ज कर रहा है 299 प्लस 18% GST। इसके अलावा FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ATM विड्रॉल लिमिट का सेम वही प्रोसेस है जैसे FI मनी के अंदर था, कि आप अगर फेडरल बैंक से निकालते हो तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन फ्री है, और अगर किसी दूसरे बैंक के ATM में जाते हो तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद 21 रुपये हर ट्रांजेक्शन के आपको लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद रैंक 3 पर जिस बैंक को हमने रखा है उसका नाम है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक को रैंक 3 पर इसलिए रखा है, पहली चीज तो ये दो तरह के अकाउंट आपको ऑफर करता है, दोनों जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। फीचर्स सब अच्छे हैं, FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छे हैं, सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छे हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के जो इसके अकाउंट है, पहला है इंडस डिलाइट अकाउंट और दूसरा है इंडस डिजी स्टार्ट अकाउंट, दोनों अच्छे अकाउंट हैं। लेकिन ये क्या बोलता है कि आपको जब जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही DICGC से इंश्योर्ड है, वो 5 लाख वाला कंसेप्ट। उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग में क्या है कि वही सारी बेसिक डिटेल्स डालनी है, लास्ट में वीडियो के वाईसी हो जाएगी, वही सारा प्रोसेस है। लेकिन इंडसइंड बैंक ये बोलते हैं कि जब आप अकाउंट ओपन करने लगोगे ना, जैसे लिंक पे जो आप क्लिक करोगे फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच के बेसिक डिटेल्स एंटर करोगे, वीडियो के वाईसी हो जाएगी, लेकिन लास्ट प्रोसेस पे इंडसइंड बैंक के ये दोनों अकाउंट ये बोलते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। दोनों की इनिशियल फंडिंग अभी बताऊंगा मैं आपको, इनिशियल फंडिंग एक बार करनी पड़ेगी। मान लो आपको 20,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी पड़ रही है एक बार के लिए, बस एक बार के लिए, जैसे ही अकाउंट ओपन हो गया उसके 5 मिनट बाद या 20,000 रुपये निकाल लो, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहेगा। बस इसी वजह से मैंने इसको थर्ड रैंक पे रखा है, अदरवाइज बेस्ट अकाउंट है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आप कहोगे कि यार जब खोलने ही जीरो बैलेंस है, मेरे पास है ही नहीं पैसे 20,000 रुपये, तो उस केस में यार कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पैसे हैं लेकिन अब कौन इनिशियल फंडिंग करे और वो चीज़ सारी की सारी। तो जो बाकी 4 अकाउंट है उसमें कुछ इनिशियल फंडिंग का प्रोसेस ही नहीं है, सीधा आओ अकाउंट ओपन करो, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। लेकिन इसमें आपको क्या है कि एक बार इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, इनिशियल फंडिंग बस एक बार, ऐसा नहीं कुछ मेंटेन नहीं करना, कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना, जीरो बैलेंस अकाउंट है, पर एक बार आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब एक बार इसके हम फीचर्स को देख लेते हैं सारे के सारे, की डेबिट कार्ड की कितनी फीस है, दोनों अकाउंट्स का भी कंपैरिजन कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इंडसइंड बैंक का जो पहला अकाउंट है उसका नाम है इंडस डेलाइट। यहां पर इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि आपको जो इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी एक बार, वो करनी पड़ेगी 10,000 रुपये। दूसरी तरफ इंडस डिजी स्टार्ट जो दूसरा अकाउंट है, वहां पे इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ेगी 20,000 रुपये। लेकिन यहां पे बहुत क्लेवरली जज किया हुआ है इंडसइंड बैंक ने, जहां इंडस डिलाइट में इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपये है, तो उस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो तो डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्लेटिनियम प्लस, लेकिन उसकी फीस जो है वो है 500 रुपये प्लस GST। डेबिट कार्ड की फीस बहुत बढ़ा दी। लेकिन दूसरी तरफ इंडस डिजी स्टार्ट अगर अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पे इनिशियल फंडिंग तो है 20,000, लेकिन डेबिट कार्ड की फीस आधी कर दी, 249 रुपीज प्लस GST कर दी। तो ऐसे में इंडसइंड, देखो पता क्या होता है, ये बैंक की ना एक स्ट्रेटेजी होती है। मान लो आपका अकाउंट SBI में है और आपके SBI के अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े, आपने खोल दिया इंडसइंड में अकाउंट, इंडसइंड में आपने 20,000 रुपये डाल दिए, तो बहुत रेयर केस होगा कि आप दोबारा पैसे निकालोगे, आप बाद में ये सोचोगे कि अकाउंट तो मेरा ही है, पैसे पड़े हैं तो पड़े। तो ये बैंक की बहुत स्ट्रेटेजी होती है कि ज़्यादा फंडिंग ले लो, एटलीस्ट बैंक के पास पैसा पड़ा रहेगा। तो इस केस में
अब अगर मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि इंडसइंड में अकाउंट खोल ही रहे हो तो एक बार 20,000 रुपए डाल ही दो, चाहे 5 मिनट बाद फिर निकाल लेना, एटलीस्ट डेबिट कार्ड की फीस तो आधी हो जाएगी। उसके बाद सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सभी बैंकों से बहुत ज्यादा दे रहे हैं, 4% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं सेविंग्स अकाउंट पे। बाकी सभी बैंक आपको कोई 3 कोई 3.5 ऐसे ही देगा, 4 भी देते हैं बट 4 अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद एफडी की बात करें तो वही अगर 364 डेज की एफडी गलती से भी मत करा लेना, क्योंकि 364 डेज यानी एक साल से एक दिन कम की कराओगे तो आपको सिर्फ 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वहीं अगर 365 डेज की करा लेते हो यानी सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा तो 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और 18 महीनों की कराते हो तो 7% का इंटरेस्ट रेट इंडसइंड बैंक आपको ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट भी है ना उसमें भी बाइफर्केशन किया हुआ है, ऐसा नहीं कि 4% फिक्स ही है। हो सकता है कि जो हमारा व्यूअर है उसके पास ज्यादा पैसे हो, कोई व्यूअर ऐसा भी होगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो ऐसे में 4% तो आपको तब मिलेगा अगर आपका बैलेंस 0 रुपीज से 1 लाख रुपए तक है। लेकिन अगर 1 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में आप अपना बैलेंस इंडसइंड में रखते हो तो उस केस में आपको 5% का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में मिलेगा। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हों जो 10 लाख से ज्यादा भी सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, तो उस केस में आपको अगर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हो तो 6% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट की बाइफर्केशन थी जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा वही एटीएम ट्रांजेक्शन, अगर मान लो इंडसइंड के बैंक में ही जाके पैसा विड्रॉ करते हो तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार मर्जी पैसा विड्रॉ करो। अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाते हो तो वही 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद फिर आपको 21 रुपए लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद रैंक 2 और रैंक 1 पर जो हमने दोनों बैंक्स रखे हैं, ये अपने आप में इवन मैं ही नहीं जज कर पा रहा था कि किसको रैंक 2 पर रखूं और किसको रैंक 1 पर रखूं। ये दोनों ही बैंक आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस है अगर किसी को भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, मतलब किसी एक पॉइंट पे पहला बैंक अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो किसी दूसरे पॉइंट पर दूसरा बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब पर्सनली मैं मतलब इतना कंफ्यूज था कि किसको रैंक 2 पर रखूं किसको रैंक 1 पर रखूं, तो फाइनली यही डिसाइड हुआ। तो आप दोनों को ही रैंक 1 पर मान लो और रैंक 2 का जो पोजीशन है उसको स्किप कर दो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो अकाउंट है वो करते हैं हम डिस्कस कोटक महिंद्रा बैंक का। अब कोटक महिंद्रा बैंक इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि पहली चीज तो आप मतलब ये देखोगे ना कि अगर ऑनलाइन में अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो ये जो जीरो बैलेंस वाला रेवोल्यूशन लाया है ना बैंकिंग इंडस्ट्री में वो तो कोटक महिंद्रा बैंक ही लाया है, क्योंकि इस बैंक ने इतना प्रमोशन किया है, इतना प्रमोशन किया, आप टीवी ऑन कर लो कोटक महिंद्रा बैंक, कहीं मतलब एक तरह से जेन्युइन प्रमोशन है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। आप अगर ढंग से देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक की देख रेख में ही बाकी बैंकों ने शुरू किया कि ये तो बहुत ज्यादा कस्टमर बेस अपना जोड़ता चला जा रहा है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के चक्कर में, क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा कोविड आउटब्रेक आया तो बैंक में लोग जाना बहुत कम हो गए, तो उस टाइम पे कोटक महिंद्रा बैंक ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट लेके आया। तो ऐसे केस में बहुत एक तेजी के साथ इसने अपना कस्टमर बेस जोड़ा। अच्छी चीज पता है क्या है कि जब आप इसका अकाउंट ओपन करोगे ना कोटक का, सबसे इजी और स्मूथ प्रोसेस जो है ना वो कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे इजी और स्मूथ है। बिल्कुल कुछ स्टेप्स के अंदर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। पहले तो मतलब अगर आज आपसे एक साल पहले जाओगे ना तो उस टाइम पे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन भी नहीं था, सिर्फ 4 प्रोसेस में आपका अकाउंट ओपन हो जाता था। वीडियो केवाईसी के लिए उस टाइम पे भी कस्टमर को ब्रांच नहीं जाना पड़ता था, ब्रांच से ही एक एम्प्लॉय घर पे आता था और आपकी वीडियो केवाईसी करके जाता था। फिर आरबीआई की गाइडलाइंस आई, आरबीआई ने ये बोला कि ऑनलाइन अगर अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो केवाईसी मैंडेटरी है हर बैंक के लिए, तो फिर ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस जो 2-3 प्रोसेस इन्होंने ऐड किए तो जाके 5-6 स्टेप्स का इनका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बना। नहीं तो एक साल पहले तो 4 स्टेप्स के अंदर इनका अकाउंट ओपन हो जाता था। तो इसके एक बार हम फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के क्या फीस हैं और वो सारी चीज़ें एक बार हम डिस्कस करते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक का जो सबसे पहले डेबिट कार्ड के जो फीस है एक तरह से वो है 299 रुपीज प्लस वही 18% जीएसटी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ये बोलते हैं कि अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लो ऑनलाइन। जैसे ही आप मेरी ऐप को इंस्टॉल करोगे यानी कोटक 811 की ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे वहीं पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखाई देगा, उस वर्चुअल डेबिट कार्ड की कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो उस केस में फिर तो मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आपको ट्रांजेक्शन की बात की जाए कि आप कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यानी एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो तो उस केस में वही सेम प्रोसेस है कि कोटक के एटीएम से 5 फ्री हैं और उसके बाद 20 रुपये हर ट्रांजेक्शन के आपको पे करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो 3.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रखते हो, और एफडी के केस में 365 डेज के अगर आप एफडी कराते हो तो 6.75% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है 6.75% का, क्योंकि मतलब कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है। लेकिन कि आप यहां पे 365 डेज की एफडी ओपन मत कराना, क्योंकि
एक साल और एक महीने की एफडी ओपन कराओ, यानी 390 डेज की एफडी ओपन कराओगे, तो उस केस में आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से ये लगा लो कि 25-26 दिन एक्स्ट्रा रखने हैं पैसे, और उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है। तो 7% का इंटरेस्ट रेट तो मतलब काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट हो रहा है। तो ये इसके सारे फीचर्स थे। अब इसके बाद जो लास्ट बैंक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये कहने को स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन मतलब पिछले 2 सालों में इस बैंक की आप परफॉर्मेंस उठाओगे ना, तो बड़े बड़े बैंकों को इसने एक तरह से टक्कर दी है। मतलब कुछ यूनिक जो कंसेप्ट ये बैंक लेके आया ना, मतलब आप टीवी पे एड्स भी देखते होंगे, पहला तो ये कंसेप्ट लेके आया था कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट बनाई कि जब बैंक आपसे EMI का पैसा हर महीने ले रहे हैं, तो आपको सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 3 महीने में एक बार क्यों दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम आपको हर महीने इंटरेस्ट मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे सेविंग अकाउंट का। अब कहने को ये एडवर्टीजमेंट के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन बात एक ही बढ़ती है, क्योंकि अगर आपको 3 महीने में बैंक एक बार इंटरेस्ट रेट दे रहा है सेविंग अकाउंट का, तो वो एक तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही दे रहा है, और 3 महीने का इकट्ठा दे रहा है। भले आप एक एक महीने करके ले लो, भले 3 महीने में इकट्ठा ले लो, बात एक ही है। चलो इसको हम नहीं मानते कि एक बहुत यूनिक इनका बिजनेस आइडिया था। उसके बाद अभी रिसेंटली ये जो अच्छा कंसेप्ट लेके आए ना, क्या होता है कि किसी भी दूसरे बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करते हो, तो जिस ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन होता है ना, उसको तो बैंक बोलता है होम ब्रांच, लेकिन उस ब्रांच के अलावा कहीं आप चले जाओ दूसरी ब्रांच में, दूसरी ब्रांच वाला इतने नखरे करेगा कि नहीं नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम तो आपका होम ब्रांच में ही होगा। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी रिसेंटली हाल फिलहाल ये चीज लेके आया, आपने एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी, कि आप चाहे दिल्ली की ब्रांच में अकाउंट ओपन करो चाहे मुंबई की ब्रांच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ब्रांचेस एक हैं। किसी मर्जी ब्रांच में आप चले जाओ, आपके सारे काम होंगे, सारी ब्रांचेस AU बैंक की आपकी होम ब्रांच की तरह ही एक्ट करेगी। तो ये अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली ये फील किया है कि आपकी होम ब्रांच के अलावा किसी दूसरी ब्रांच में आप चले जाओ बस गलती से, मतलब उन्होंने बस ये बोलना है कि आप अपनी होम ब्रांच में जाके ही काम करो, यहाँ तो आपको नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेस नहीं है, सब होता है, बस बहानेबाजी है बैंकों की। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि सारी ब्रांचेस आपकी होम ब्रांच की तरह एक्ट करेगी, ये AU बैंक की एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट पे भी ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट देता है दूसरे बैंकों से, और फिक्स डिपॉजिट पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है दूसरे बैंकों से। बाकी आपकी चॉइस है, इन पांचों में से किसी में भी अकाउंट ओपन करो, मैंने तो पांचों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो बाकी सभी DICGC से भी इंश्योर्ड है, हर चीज़ आपने कंपेयर कर ली है। बट ये इसके थोड़े से काफ़ी बार क्या होता है ना कि लोग ये देख लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर लोगों के बीच में टूट जाता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि DICGC से सभी बैंक इंश्योर्ड है, ये AU बैंक में इंश्योर्ड है, तो 5 लाख तक तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो इस केस में अच्छा अकाउंट है, डेबिट कार्ड की फीस भी कम है। तो एक बार सारे फीचर के AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर वही बाइफर्केशन किया हुआ है। अगर मान लो किसी का बैलेंस 1 लाख से नीचे है, 0 to 1 लाख रुपीज है, तो उस केस में 3.5%, लेकिन अगर किसी का 1 लाख से 10 लाख के बीच में, तो 5% का इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पर। किसी का बैलेंस अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में, तो उस केस में 6%। किसी का 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में बैलेंस है, तो उस केस में उसको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा AU बैंक में, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो। FD की बात करें तो वही चीज है, गलती से भी 365 डेज की FD मत ओपन कराना, क्योंकि उस केस में आपको सिर्फ 6.10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा कराओगे यानी 366 डेज की, उस केस में आपको 7.35% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो बेस्ट इंटरेस्ट रेट है एक साल की FD कराने पे 7.35% का। डेबिट कार्ड की बात करें तो सिर्फ 150 रुपये फीस है, सभी बैंकों से कम है, प्लस 18% GST यानी 177 रुपये आपको पड़ेगी। वही वीडियो KYC का ऑप्शन है, घर बैठे बैठे ही अकाउंट ओपन होगा, कहीं ब्रांच जाने की जरूरत आपको है ही नहीं। ATM विड्रॉल की बात करें तो अनलिमिटेड विड्रॉल है AU बैंक से, और अगर हम बात करें कि दूसरे बैंक से, तो वही 5 ट्रांजेक्शन फ्री हैं, उसके बाद आपको 20 रुपये लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार हमने अभी ये सारे के सारे पाँचों बैंक्स कंपेयर तो कर लिए, लेकिन आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा था सारी चीज़ें। तो एक टेबल में अभी ये आपको सामने टेबल दिखा देता हूँ, इस टेबल में हम पूरा डिस्कस करते हैं कि किस कौन सा बैंक टॉप पर है अगर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करें, कौन सा बैंक टॉप पर है अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, और डेबिट कार्ड की जो फीस है उस हिसाब से भी एक ही स्क्रीन पर आपको विजिबल हो जाएगा। आप अब तसल्ली से जज करो कि आपको किस बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि आपको ब्रांच जाने की जरूरत है नहीं, घर बैठे बैठे अपने फोन से ही ओपन करना है। और एक चीज पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, पहले इसका एक कंपैरिजन कर लेते हैं, लास्ट कंपैरिजन, फिर हम अपने सवाल पे आएंगे कि मैक्सिमम हम कितने बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर सेविंग्स अकाउंट की बात करें, देखो सेविंग्स अकाउंट में ना कंपैरिजन मतलब जस्ता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपने पैसा बहुत ज़्यादा रखना है तब एक अलग बात है। तो इस केस में चलो एक बार देख लेते हैं,
इंडसइंड बैंक टॉप पर है क्योंकि 4% का इंटरेस्ट रेट दे रहा था, उसके बाद कोटक और एयू 3.5% का दे रहे हैं, जुपिटर और एफआईमनी सेम ही है, बस जुपिटर का 3.05% है। तो ये लिस्ट हो गई सेविंग्स अकाउंट की। उसके बाद एफडी की बात करें तो एयू बैंक जो है वो 7.35% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है एक साल की एफडी कराने पर। फिर कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड का 6.75% है और एफआई और जुपिटर का 6.60% है। तो अब ये मान लो कि एयू को छोड़ के बाकी चारों बैंक का ऑलमोस्ट सेम है, मतलब अगर आप 10-20 रुपए ही फालतू इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन आएगा अगर मान लो, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। तो बाकी यहां इसके अंदर क्या नाम है एयू के अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। तो बाकी आपकी चॉइस है, आपको यह भी जज करना पड़ेगा कि आपके घर के पास कौन सा ऐसा बैंक है, तो वो भी एक चीज मैटर करती है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम डेबिट कार्ड की फीस की बात करें तो एफआई मनी तो कोई भी फीस चार्ज ही नहीं कर रहा, जीरो फीस है, एक तरह से ज्वाइनिंग भी जीरो है, एनुअल भी जीरो है। जुपिटर जो चार्ज कर रहा है एक टाइम की फीस 299 रुपीज प्लस जीएसटी और एनुअल जीरो। उसके बाद सबसे कम फीस एयू की 150 रुपए प्लस जीएसटी 177 रुपए बैठेंगे, कोटक की है फिर उसके बाद 299 प्लस 18% जीएसटी, ये बैठेगा ऑलमोस्ट 352 रुपए। और उसके बाद इंडसइंड की है जो डीजी स्टार्ट अकाउंट है उसकी तो कम है क्योंकि 249 प्लस जीएसटी है यानी 293 रुपीज बैठेंगे, और डेलाइट जो अकाउंट है उसकी है 500 प्लस 18% जीएसटी यानी ये बैठेगा आपका 590 रुपए। तो ये सारा का सारा एक बार यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपने कंपैरिजन को। अब आपके सामने सारी चीजें मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं, आपको अपने माइंडसेट से ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट है। अब एक सवाल लोगों का आता है क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको ये है कि भाई मैं तो पांचों बैंकों में अकाउंट ओपन करूंगा क्योंकि पांचों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। फिर सवाल ये आता है कि यार ज्यादा बैंकों में अकाउंट तो मैं ओपन कर लेता हूं लेकिन वही चीज है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाएगी। तो देखो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आप भले ही इंडिया में 10 अकाउंट खोलो, 20 खोलो, 25 खोलो, 50 खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द कंसेप्ट इज कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे होने चाहिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हो। अगर आप अपने लिए अपने मान लो आपके पास सैलरी आई, एक सपोज करते हैं कि 20,000 रुपये सैलरी आई और आपके पास 20 अकाउंट हैं, आपने हर अकाउंट में 1,000 रुपये डाल दिए, तो ऐसे में आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ना ही आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हो, तो आप चाहे 20 अकाउंट ओपन करो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आपने 20 अकाउंट खोले ही इस वजह से हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा अलग अलग अकाउंट में बाइफर्गेट करके डालूंगा, तो उस केस में आरबीआई बोलते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करना मतलब एक तरह से इलीगल काम है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हो कि आपका ही पैसा है, कोई आपने गलत काम नहीं किया और अपने आपने 20 अकाउंट ओपन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई फोन नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम एक बार ये देखते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करने के क्या बेनिफिट्स हैं और मल्टीपल अकाउंट ओपन करने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले मल्टीपल अकाउंट ओपनिंग के एक बार हम डिसएडवांटेजेस को देखें तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने 20 अकाउंट ओपन कर लिए तो 20 के 20 अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और उसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जीरो बैलेंस खोलते हो 5 के 5 अकाउंट में या मतलब पांचों बैंकों में खोलते हो तो उस केस में आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जितने ज़्यादा आप अकाउंट ओपन करोगे उतने ही डेबिट कार्ड के जो एक तरह से आपको पैसे हैं वो पे करने पड़ेंगे हर साल, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में वर्चुअल जो डेबिट कार्ड है उसका ऑप्शन चूज करते हो तो फिर उस केस में भी आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो ये एक तरह से इसके डिसएडवांटेजेस थे कि मल्टीपल अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो ये दो चीज़ें आपको एक तरह से डिसएडवांटेजेस की फॉर्म में देखने को मिलती है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें मल्टीपल अकाउंट की तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको DICGC का बेनिफिट मिल जाता है कि 5 बैंक है, ज़्यादा पैसा है मान लो तो आपने 5-6 बैंकों में अकाउंट ओपन कर दिया, पांचों में 5 लाख से कम बैलेंस रख दिया, तो एक तरह से अगर कल को आपको डर है कि कोई बैंक डूब ना जाए तो उस केस में DICGC का बेनिफिट आपको मिल जाता है। दूसरा ये है कि आपकी एक ही बैंक के ऊपर ना डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है कि काफ़ी बार मैंने ऐसे बिजनेस भी देखे हैं कि लोगों की दुकानों के बाहर ट्रक खड़े हैं माल लेके, लेकिन जब तक चेक पास नहीं होगा उस ट्रक से माल नहीं उतरेगा दुकान में। तो ऐसे केस में अगर मान लो किसी दिन अगर बैंक का सर्वर खराब हो गया और सुबह से लेकर शाम तक वो पेमेंट नहीं हो पा रही, तो मैंने ये भी चीज़ देखी है कि लोगों की दुकानों के बाहर वो ट्रक भरे के भरे खड़े हैं और उसकी फीस उस दुकानदार को पे करनी पड़ रही है सिर्फ इस वजह से कि बैंक में वो चेक पास नहीं हो रहा क्योंकि बैंक का सर्वर डाउन है। तो
तो ऐसे केस में फिर एक बैंक पे आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है अगर आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करते हो। उसके बाद एक दूसरा बेनिफिट ये है कि आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे केस में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है तो आपका पैसा बाइफर्केट होकर पड़ा है 5-6 बैंकों के अंदर, तो उस केस में कभी ऑनलाइन कोई फ्रॉड हुआ, मान लो आपका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है और उसी बैंक में आपके 10 लाख रुपए पड़े, कल को भगवान ना करे कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो एक रिस्क है ना कि 10 का 10 लाख रुपए उड़ जाएगा, लेकिन यही आपके 5 अकाउंट है, 5 में 2-2 लाख रुपए पड़े हैं, तो उस केस में अगर फ्रॉड होगा भी तो एक बैंक में होगा, तो पूरा का पूरा जो भी आपका सम है वो सारा का सारा नहीं जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग करने पर हर बैंक अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है। मान लो मैंने आज अमेजोन से कोई ऑर्डर किया, उस केस में वहां लिखा गया कि आपका जो अकाउंट है वो मतलब क्या नाम है, अगर ICICI में अकाउंट है तो उस केस में आपको वो करना पड़ेगा, क्या नाम है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे में मान लो मेरे पास ICICI का अकाउंट ही नहीं है, तो उस केस में फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब ICICI से याद आया कि ICICI बैंक बहुत लोग पूछते हैं कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो पहले तो ICICI बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता था जिसका नाम था ICICI माइन अकाउंट, ये वीडियो के बीच में स्किप हो गया मेरे दिमाग से, तो ICICI माइन अकाउंट ऑफर करता था, लेकिन अब वो अकाउंट एक तरह से बंद हो गया, उस अकाउंट को ICICI ने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में। अब उस केस में आपको एक तरह से इनिशियल फंडिंग तो करनी पड़ेगी 20,000 रुपए और मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा 10,000 रुपए। तो आज की डेट में ICICI जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर ही नहीं करता, ना ही एक्सिस करता है, ना ही HDFC करता है। बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, बोलते हैं कि एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस, HDFC बैंक जीरो बैलेंस, ICICI बैंक जीरो बैलेंस, ऑफर नहीं करता। किसी भी गलत वीडियो के चक्कर में मत पड़ना, एक अलग से वीडियो मैं भी लेके आऊंगा कि बेस्ट बैंक फॉर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, उसमें हम सभी बेस्ट बैंक डिस्कस करेंगे जो मंथली एवरेज बैलेंस रखवाते हैं और उस केस में बेस्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो उसमें हम ये सभी बैंक डिस्कस करेंगे, ICICI, HDFC, एक्सिस और जो भी दूसरे बैंक होंगे जो एक तरह से मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करवाते हैं, तो अलग वीडियो में हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये था एक कंपैरिजन कि बेस्ट बैंक कौन सा है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए। हो सकता है कि ये वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं एक एक फीचर बता सकूं कि हर बैंक का, और आप अपने दिमाग से अच्छे से जज करो कि आपको इनमें से किस किस बैंक में अपने लिए अकाउंट ओपन करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।